खुशामदीद नाज़रीन, MTS न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। मीलाद के चांद के आमद के साथ ही हैदराबाद में चारों तरफ लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे गूंज उठे। शहर हैदराबाद में आम तौर पर सभी त्योहार मिलकर और बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, चाहे वो ईद उल फित्र हो या दिवाली, गणेश या हो क्रिसमस। पूरे हैदराबाद में ये सभी खुशियों के साथ मनाए जाते हैं। मुस्लिम के त्योहार में ईद मीलादुन नबी बहुत ही जोरों शोर से धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे आका के तशरीफ लाने पर शहर हैदराबाद को सजाया जाता है, चारों तरफ खुशियां होती है। चांद रात से 12 रबीउल अव्वल तक ये जश्न जारी रहता है। हर गली हर मोहल्ला सजाया जाता है, सभी अपने अपने घरों को सजाते हैं, चारों तरफ रोशनी होती है। कई जगहों पर मासूम बच्चों को और गरीबों को खाना खिलाया जाता है, आम दावतें रखी जाती है। चांद के आमद से ही हर गली रोशन और आका के चाहने वाले लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते नजर आते हैं। आज चांद रात के मौके पर सुलेमान डेयरी प्रोडक्ट्स अहमद बिन सुलेमान अल केसरी की जानिब से डेयरी फार्म में फातिहा रखी जाती है। सभी में मीठी बूंदी तकसीम की गई। अहमद बिन सुलेमान अल केसरी साहब ने अपने कारोबार दुकानों सुलेमान डेयरी फार्म, सुलेमान डेयरी प्रोडक्ट्स, सुलेमान स्वीट एंड नमकीन और सुलेमान इतर परफ्यूम के सभी दुकानों को बेहतरीन तरीके से सजाया और बारबी का चांद आया नाच से इलाके को पुरनूर कर दिया। हैदराबाद में काफ़ी मशहूर है इनकी दुकानें हर चीज़ के लिए। आम तौर पर भी इनकी दुकान पर हुजूम देखा जाता है, लोग दूर दूर से इनके पास खरीदारी के लिए आते हैं। आज फातिहा की इस मीठी बूंदी की तकसीम में मासूम बच्चों के साथ बड़े भी एहतराम के साथ लेते देखे गए और यहाँ बड़े लोगों को खुशबू लगाते हुए खुशियाँ मनाई गई। आइए देखते हैं इसके कुछ खास मनाजर हमारी ये खास रिपोर्ट में। हर अहम और खास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल MTS न्यूज़ नेटवर्क को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें।